नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। आगे कुआं पीछे खाई, जब ट्रंप से पार नहीं बसाई तो नजर भारत पर जा टिकाई। मतलब अमेरिका के हाथों घास की रोटी खाने की ओर बढ़ते ईरान ने अब अपनी जमात को खुश करने के लिए भारत पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। यूं भी इस मामले में भारत ऐसे देशों का आसानी से टारगेट हो जाता है जहां लोकतंत्र नहीं होने के साथ रेडिकलाइजेशन ज्यादा है। यह सभी खूबियां मुस्लिम देशों में ज्यादा मिलती है। इन देशों में लोकतंत्र मुल्ला की तस्वीर पर लटकता है और विदेश नीति मदरसे की बेंच पर, जिस पर माथा पटक कर यह उसका कचूमर निकाल देते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई और रूहानी सरकार के विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने दिल्ली मामले पर जिस तरह के बयान दिए, उन्होंने पाकिस्तान को तो खुश किया लेकिन भारत को यह एहसास करा दिया कि ये टोपीबाज कहीं भी बसे इन पर भरोसा नाकाबिल है। इन्हें जब तब अवसर मिलेगा ये अपना रंग दिखाने से बाज नहीं आएंगे। पिछले दिनों से ईरान भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके पाकिस्तान के समकक्ष खड़ा होता जा रहा है। ईरान की इन हरकतों से भारत का माथा जरूर ठनका है, मगर भारत के पास उसे सबक सिखाने के लिए हथकंडों की कमी नहीं है। भारत का एक मामूली सा फैसला ही ईरान को घुटनों पर ला सकता है, मगर बावजूद इसके भारत अभी भी ईरान की बदली परिस्थितियों का अध्ययन कर रहा है। दरअसल 21 फरवरी को ईरान के हालिया चुनाव में कट्टरपंथियों को बड़ी जीत मिली है। कुल 290 में से 230 सीटों पर कट्टरपंथियों की जीत हुई है। ईरान के सबसे बड़े सूबे तेहरान में तो सभी 30 सीटें इन्हीं तत्वों ने कब्जा ली है, जबकि साल 2016 में हुए चुनाव में यह सारी सीटें उदारवादियों के पास थी। इस बार का चुनाव इन्हीं दो दलों के बीच हुआ है। राष्ट्रपति हसन रूहानी उदारवादियों की तरफ झुके मध्यमार्गी नेता है। वे वर्ष 2013 में इन्हीं के समर्थन से चुनाव जीते थे। उन्हीं के कार्यकाल में भारत और ईरान के संबंध शिखर पर पहुंचे और चाबार बंदरगाह जैसी महत्वपूर्ण परियोजना पर दोनों देशों ने मिलकर काम किया। वर्ष 2017 में भी उन्हें भारी समर्थन मिला था और वो लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। लेकिन पिछले साल जुलाई में रूहानी ने परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए तो वे कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए। इसके बाद से कट्टरपंथियों और उदारवादियों के बीच संघर्ष बढ़ गया था, जिसका नतीजा हालिया चुनाव में दिखाई दिया। अब ये तत्व राष्ट्रपति रूहानी की विदेश नीति और ईरान में राजनीतिक सुधारों का विरोध कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इन कट्टरपंथियों को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई का समर्थन मिल रहा है। ईरान द्वारा भारत के खिलाफ मुखर होने का बड़ा कारण भारत द्वारा ईरान से तेल आयात बंद कर दिया जाना है। भारत ईरान से प्रतिदिन 4,25,000 बैरल तेल खरीद रहा था, मगर अमरीकी प्रतिबंधों की वजह से वह पूरी तरह बंद हो चुका है। इस वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है। ईरान तेल बेचने के साथ भारत से चावल, मसाला चाय, चीनी दवाइयां और अन्य रासायनिक उत्पाद खरीदता था, जो बहुत कम मात्रा में वहां निर्यात हो रहे हैं। ईरान को लगता है कि भारत जैसे बड़े देश को अमरीकी दादागिरी के सामने झुकना नहीं चाहिए था। भारत तेल के तीसरे नंबर का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, उसे मुसीबत में ईरान का साथ देना चाहिए था, पर इसकी शुरुआत भी खुद ईरान ने ही की थी। ईरानी विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान जिस प्रकार चाबार परियोजना में चीन और पाकिस्तान को आमंत्रित किया था, भारत तभी सतर्क हो गया था। भारत को समझने में देर नहीं लगी कि मदरसे की पैदाइश की टोपी किस तरफ की उड़ान भर रही है। इसलिए भारत ने ईरानी विकल्प के रूप में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का रुख किया था। खास बात यह है कि कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी यह भारत के साथ डटकर खड़े रहे, जबकि ईरान ने इसके खिलाफ ही बयान दिया था। हालांकि इसके बावजूद भारत ने सुलेमानी मसले पर ईरान की तरफ ही झुकाव दिखाया, मगर अब यहां पर कट्टरपंथ की जड़ें इतनी मजबूत हो चली है जो उसके पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलने का एहसास दिलाती है। चाबार बंदरगाह में भारत द्वारा निर्मित शहीद बहिश्ती टर्मिनल का प्रचालन हालांकि अभी शुरू नहीं हुआ है, मगर इसकी शुरुआत में ही एक साल में 3,00,000 टन से ज्यादा कार्गो भारत अन्य देशों को भेज चुका है। ईरान के लिए इस समझौते से हटना मुश्किल है, इसलिए ईरान चाबार को लेकर भारत पर दबाव नहीं बना पा रहा है, मगर अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करके वह नए समीकरण तैयार करने में जुटा है।
परंतु यह खुद उसके लिए आत्मघाती होने वाला है। अगर आने वाले वक्त में ईरान से अमरीकी प्रतिबंध हटते हैं और भारत ने अगर ईरान से तेल आयात शुरू नहीं किया तो ईरान के लिए उबरना मुश्किल हो जाएगा। अकेला चीन उससे इतना तेल नहीं खरीद सकता जो उसको राहत दे सके। यह एक प्रकार से मलेशिया पाम ऑयल वाली स्थिति हो जाएगी। यूं भी मोदी सरकार सऊदी अरब और यूएई को ईरान से ज्यादा विश्वसनीय मान रही है। उन्होंने भारत में 100 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश करके रिश्तों को और अधिक प्रगाढ़ किया है, जबकि ईरान के खुद ही बाजे बज रहे हैं। वे किसी भी रूप में भारत से बराबरी की दोस्ती नहीं कर सकता है। मोदी सरकार जानती है कि मुल्ला मुल्क से ईसाई यहूदी मुल्क कहीं बेहतर सहयोगी है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।